दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे। आज की पहली खबर में देखिए 23 दिसंबर यानी आज से चलेगी पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, बिहार में भी होगा ठहराव। यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम और दक्षिण के बाद भारत की पहली सेमी स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पूर्वी भारत में भी आने वाली है। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। इस ट्रेन का परिचालन बिहार के रास्ते ही होना है। वंदे भारत एक्सप्रेस का बिहार में परिचालन 23 दिसंबर से शुरू होगा। यह पहली वंदे भारत ट्रेन है जो बिहार के रास्ते से गुजरेगी। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह देश की 7वीं वंदे भारत ट्रेन है। साथ ही आपको बता दें कि हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली ट्रेन रास्ते में 3 स्टेशन बरसोई, मालदा, बोलपुर आदि स्टेशनों पर 2 दिशाओं में रुकेगी। इसमें बिहार में किशनगंज और बरसोई 2 प्रमुख स्टेशन है जहाँ वंदे भारत का ठहराव होगा। बड़ी खबर में देखिए बिहार में हेलीकॉप्टर पर सियासी घमासान, सुशील मोदी बोले जिसने खरीदा प्लेन नहीं पूरा कर सका कार्यकाल। जहाँ देखिए बिहार में काफी लंबे अरसे बाद अब 12 सीटर जेट इंजन विमान और 10 सीटर हेलीकॉप्टर खरीदने की बात की जा रही है। बीते मंगलवार को इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री कैबिनेट की मोहर भी लग गई है। इसको लेकर एक समिति का भी गठन किया गया है जो 3 महीने में अपना रिपोर्ट मुख्यमंत्री कैबिनेट को देगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर इसकी खरीद की जाएगी। वही विमान खरीद की मंजूरी मिलने के बाद अब सूबे की सियासत गर्म हो गई है। भाजपा की तरफ से एक बार फिर से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर गहरा तंज किया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर तंज करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की तो विभिन्न देशों में जाना पड़ता है लेकिन किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को 2 से 4 बार राज्य से बाहर अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। उसमें भी बिहार के सीएम तो कहीं भी राज्य से बाहर नहीं जाते। लेकिन इसके बावजूद सवाल यह है कि आखिर 250 करोड़ का जेट प्लेन क्यों खरीदा जा रहा है जबकि बिहार में मात्र 4 जगहों पर उतर सकता है। नीतीश को यह बताना चाहिए कि वो विज्ञापन पर कितना खर्च करते हैं। इसके आगे उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि मेरे समय में तो कभी भी 6-6 बार कोई भी हेलीकॉप्टर खरीदने को कोई टेंडर नहीं हुआ। अब राज्यों ने एयरक्राफ्ट खरीदना बंद कर दिया है, लीज पर लेते हैं। इसमें बिहार ने भी 5 साल के लीज पर लिया है। इसके साथ ही अभी तक बिहार में जिसने भी प्लेन खरीदा है उसने कार्यकाल पूरा नहीं किया है। आप उदाहरण के रूप में बूटा सिंह और सत्येंद्र बाबू को देख सकते हैं, उनको क्या हाल हुआ है। इसीलिए नीतीश जी एक बार आपको भी इसको लेकर दोबारा सोच लीजिए। बड़ी खबर में देखिए उत्तर बिहार में कोल्ड डे जैसे हालात, दिन भर ठिठुरते रहे लोग, नहीं मिलेगी ठंड से राहत। यह देखिए बर्फीली पछुआ हवा से उत्तर बिहार के जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात है। हालात यह है कि मुजफ्फरपुर, बेतिया, मधुबनी व समस्तीपुर समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के करीब आ गया है। वहाँ देखिये मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल के खाड़े में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, इस कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगले 3-4 दिनों तक ठंड ऐसे ही रहेगी। कई जिलों में आपदा विभाग ने एहतियात बरतते हुए ठंड से बचाव के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। वहीं देखिए मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से मैदान में शीतलहर जैसी स्थिति है। मुजफ्फरपुर में सीजन का सबसे सर्द रात गुरुवार रही। बड़ी खबर में देखिए पटना में 5 डिग्री पारा लुढ़का, कनकनी बढ़ी। जहाँ देखिए हवा की दिशा में बदलाव और पछुआ की तीव्र गति ने पिछले 24 घंटे में पटना समेत राज्य भर में कपकपी बढ़ा दी है। बर्फीली पछुआ से कई जिलों में दिन और रात के तापमान में भारी कमी आई है। दिन में देर तक धूप नहीं निकलने से उत्तर बिहार के कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात रहे। बता दें कि जिन जिलों में भारी ठंड की स्थिति रही उनमें पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर शामिल है। पटना में भी लोगों ने दिन भर कनकनी महसूस की। यहां के न्यूनतम तापमान में 3.6 डिग्री और अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की कमी आई है। वहीं अधिकतम तापमान 18 व न्यूनतम 10.2 डिग्री दर्ज हुआ है। वहीं देखिए 5.7 डिग्री के साथ गया सबसे ठंडा जिला रहा है। बड़ी खबर में देखिए लगातार 7वें साल भी गणतंत्र दिवस पर नहीं दिखेगी बिहार की झांकी, केंद्र ने की खारिज, जदयू बीजेपी का आरोप प्रत्यारोप। जहाँ देखिए दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य द्वारा प्रदर्शित की जाने वाले झांकी में बिहार के झांकी को खारिज कर दिए जाने पर अब फिर से सियासत तेज हो गई है। जदयू ने केंद्र पर बिहार विरोध रवैया अपनाने का आरोप लगाया है तो वहीं बीजेपी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि बिहार वास्तव में लालू जी और नीतीश जी के शासन काल में कला, सांस्कृतिक, साहित्य के साथ इतिहास की परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत को संजोने और आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर पाया है।
सीएम नीतीश कुमार का दृष्टिकोण इस संबंध में हमेशा बहुत आत्म केंद्रित और अदूरदर्शी रहा है। अब 26 जनवरी को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह में झांकी के लिए पूरे बिहार में एक से बढ़कर एक अच्छे ऐतिहासिक विशेष संभव है, जिसमें से देश दुनिया के लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन स्वयंभू और स्वकेंद्रित तो मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं और उपलब्धियों वाले झांके दिखाकर प्रचार कराना चाहते हैं। वहीं देखिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि इससे केंद्र का बिहार विरोधी नजरिया दिखता है। केंद्र को बिहार के विकास से यहाँ की नई सोच और बड़ी योजनाओं से नफरत है। बड़ी खबर में देखिए सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी। 15 फरवरी से शुरू होंगे परीक्षा। कोरोना के बाद पहली बार एक परीक्षा 100% सिलेबस के साथ। यहाँ देखिए सीबीएसई ने साल 2023 में होने वाले 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी की है। दोनों क्लासेस के एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे। 10वीं का लास्ट पेपर 21 मार्च को और 12वीं का लास्ट पेपर 5 अप्रैल को होगा। इस बार करीब 34 लाख से अधिक छात्रों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। वह देखिए बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार क्लास 10 और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क 1 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि विषयवार शेड्यूल संबंधित स्कूल जारी कर सकेंगे। सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में स्कूल के साथ साथ स्टूडेंट के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। वहीं देखिए पिछले साल देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 10वीं और 12वीं के एग्जाम 2 टर्म में आयोजित किया गया था। इस दौरान जो छात्र संक्रमण की वजह से एक परीक्षा में शामिल नहीं हो सके उनके मार्क्स दूसरी परीक्षा के आधार पर कैलकुलेट किए गए थे, लेकिन इस पॉलिसी को अब सीबीएसई ने खत्म कर दिया है। कोरोना से उभरने के बाद इस बार बोर्ड एग्जाम 100% सिलेबस के साथ होंगे। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से संसद में इसकी जानकारी दी गई थी। बड़ी खबर में देखिए बिहार नगर निकाय चुनाव में आज होगा 1651 प्रतिनिधियों का भाग्य का फैसला। 8 बजे शुरू होगी मतगणना। जहाँ देखिए बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत हुई वोटिंग के मतों की गिनती शुक्रवार की सुबह 8 बजे से राज्य के 23 जिला मुख्यालय में शुरू हो जाएगी। साथ ही दिन के 10 बजे तक परिणाम के रुझान आने लगेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव में नगर निकाय के कुल 1651 प्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला होना है। इसमें से 1515 वार्ड पार्षद, 68 मुख्य पार्षद और 68 उप मुख्य पार्षद का चुनाव परिणाम आना है। इसके साथ मेयर और डिप्टी मेयर का भी फैसला हो जाएगा। बड़ी खबर में देखिए सीटेट का परीक्षा शेड्यूल हुआ जारी। बिहार में 4.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। जहाँ देखिए सीबीएसई की ओर से 16वें संस्करण सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2022 का विस्तृत शेड्यूल बुधवार को जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीटीईटी 28 दिसंबर से 7 फरवरी तक कंप्यूटर आधारित मोड में 24 दिन आयोजित होगी। इसके लिए लगभग 32.45 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अधिक उम्मीदवार रहने के कारण परीक्षा 7 फरवरी तक अलग अलग तिथियों में आयोजित कराई जाएगी। वहीं देखिए सीटीईटी की परीक्षा 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29 और 30 जनवरी को, वहीं 1, 2, 3, 4, 5 और 7 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपनी परीक्षा तिथि और अलॉटेड परीक्षा सर की जानकारी वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 28 और 29 दिसंबर को परीक्षा हो भी चुकी है। बड़ी खबर में देखिए सहरा राज्य से दूर होने पर भी डाल सकेंगे वोट। चुनाव आयोग का रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार, 16 जनवरी को डेमो। जहाँ देखिए चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाता के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम यानी कि RVM तैयार कर लिया है। इसी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी RVM की मदद से अब घर से दूर किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाला वोटर विधानसभा लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेगा। यानी वोटिंग के लिए उसे अपने घर नहीं आना पड़ेगा। आयोग 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस RVM का लाइव डेमोंस्ट्रेशन देगा। बड़ी खबर में देखिए 6 देशों से आने वालों के लिए RT-PCR जरूरी। जनवरी से 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। स्वास्थ्य मंत्री का दवा कंपनियों के साथ मीटिंग। जहाँ देखिए भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाए जाने की तैयारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले पैसेंजर के लिए 1 जनवरी 2023 से नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इन पैसेंजर को यात्रा से पहले अपनी 72 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इधर आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोरोना की एडवांस तैयारी को लेकर मनसुख मांडविया और फार्मा कंपनियों के बीच वर्चुअल मीटिंग की है। इसमें कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाओं के प्रोडक्शन और स्टॉक को लेकर बातचीत हुई।
अब बिहार सरकार का अपना प्लेन और हेलीकॉप्टर होगा, बोले तेजस्वी। इसमें बीजेपी को आपत्ति क्यों हो रही है? जद के नमामि गंगे परियोजना को लेकर 30 दिसंबर को कोलकाता एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए गंगा नदी से जुड़े राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल होंगे। तेजस्वी यादव कल कोलकाता के लिए रवाना भी हो गए हैं। कोलकाता जाने से पूर्व पटना में तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की, कहा कि नमामि गंगे को लेकर कोलकाता में हो रही बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जिन राज्यों में गंगा नदी बहती है उन राज्यों के सीएम को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया। जेट और हेलीकॉप्टर को लेकर बीजेपी हमले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां खुद का ना तो प्लेन है और ना ही हेलीकॉप्टर है। इससे पहले जिस प्लेन और हेलीकॉप्टर का उपयोग बिहार सरकार करती थी वो लीज पर था। अब बिहार सरकार अपना प्लेन और हेलीकॉप्टर होगा तो इसमें बीजेपी को क्या आपत्ति है? बाड़ीखर में देखे, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोले, महाराष्ट्र पुलिस नहीं चाहती थी राज खोलना, बिहार पुलिस खोल देती सुशांत सिंह की मौत का राज। याद रखिए, महाराष्ट्र पुलिस ने सहयोग किया होता तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज खुल गया होता, लेकिन मुंबई पुलिस ने ना तो खुद जांच की और ना ही बिहार पुलिस का सहयोग किया। पुलिस की मंशा तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को राज बनकर रखने का था। केस में काफी छेड़छाड़ किया गया, साच भी प्रभावित किए गए। अब सरकार बदली तो मुंबई पुलिस की जांच भी बदल गई है, नए नए बयान सामने आने लगे हैं। भरोसा सीबीआई पर, वह केस को सॉल्व कर लेगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बिहार में केस दर्ज कराने वाले पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के ही मानना है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने मामला पूरी तरह से शांत करा लिया था। बिहार पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज की तो मुंबई पुलिस छाती पीटने लगी। जांच के लिए बिहार के आईपीएस विनय तिवारी को भेजा गया तो कोरोना के नाम पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। महाराष्ट्र पुलिस का रवैया ठीक नहीं था, वह इसे केस को सुसाइड मानकर जांच कर रही थी। बिहार पुलिस को भी वह सहयोग इसीलिए नहीं कर रही थी कि राज खोलना ही नहीं था। पूर्व डीजीपी ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही है। बाड़ीखर में देखे, नए साल को लेकर पटना के मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे अलर्ट मोड में, बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री। या देखिए, साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को तमाम धार्मिक स्थलों में जाने से पहले कोरोना गाइडलाइन को पालन करना होगा। धार्मिक परिसरों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रबंधक की माने तो नव वर्ष को लेकर मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे प्रबंधक अलर्ट मोड में है। वहीं देखिए, महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भीड़ नियंत्रण करने के लिए महावीर मंदिर की ओर से जिला प्रशासन के लगभग 100 निजी सुरक्षा कर्मी और स्वयं सेवकों की तैनाती की जाएगी। भक्त के लिए 10,000 किलो नवेदम तैयार किया जाएगा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नवेदम के 10 काउंटर खोलने की योजना है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।